जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। फिल्म की कहानी कंटिन्यू की जाएगी, फिल्म में हमें और क्या देखने को मिलेगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होगा फिल्म में। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निशांत कामत ने 2015 में फिल्म दृश्यम बनाई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड फिल्म थी। फिल्म में हमें ये देखने को मिला था कि एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, और एक बार फिर इसी बात को सच करने के लिए मेकर फिल्म दृश्यम की सीक्वल बनाने जा रहे हैं, और इस फिल्म का नाम दृश्यम 2 होने वाला है। फिल्म की कहानी कंटिन्यू की जाएगी। इस बार हमें ये देखने को मिलेगा कि विजय अपनी फैमिली के साथ 6 साल उसी घर में रह रहा है, लेकिन वो अब अपना एक मूवी थिएटर खोल चुका है, और साथ ही हमें ये भी देखने को मिलेगा कि पुलिस के इंटरोगेशन के कारण विजय की बड़ी बेटी इशिता सीजर्स और PTSD से सफर कर रही है। विजय की तरक्की से सारे गांव वाले उससे जलने लगेंगे और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। वहीं विजय की वाइफ श्रेया अपनी न्यू नेबर के साथ अच्छा रिलेशन बना लेती है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होती है, और उसका हस्बैंड भी एक अच्छे पोस्ट पर होता है, लेकिन साथ ही वो एक ड्रंकर भी होता है जो अपनी वाइफ को मारता है। ऐसे ही उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के घर आना जाना तो लगा ही रहता है। इसी बीच एक दिन उसकी वाइफ ने अपनी नेबर को बताया कि समीर को किसने मारा था, जिसके बाद उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बात जाकर पुलिस वालों को बता दी क्योंकि वो दोनों एक अंडरकवर एजेंट्स थे। अब देखना ये है कि विजय इस बार अपनी फैमिली को कैसे बचा पाएगा। फिल्म में हमें इस बार और भी ज्यादा प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज देखने और फेस करने को मिलेगी। अब देखना ये है कि क्या विजय की फैमिली कोई और सजा मिलेगी या फिर वो छूट जाएंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We'll be right back.